जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई बहुत ही बाधित हो गई है। इसके लिए मैं रतन रंजन, फ्रेंड एंड मोटिवेटर और ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर दुल्हिनबिहार पटना, आपके सामने कुछ फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हम जानकारी देंगे, जिससे कि लॉकडाउन में बच्चे अपने घर पर रह के अच्छे तरह से शिक्षा अध्ययन कर सकें। तो चलिए आज हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि 12th का सबसे पहला टॉपिक है, जो बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो क्या है सबसे पहले इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या है सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विद्युतीय बलों के आकर्षण विकर्षण इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज और रिपल्सन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलेंगे हम आज इसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूँ कि क्या है। तो है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with electric forces, potential difference and charges, which is rest or motion. That is, जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर चार्ज है क्या। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आखिर विद्युतीय चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवेश क्या है, किसी भी वस्तु का एक प्रॉपर्टी है, मैटर का एक प्रॉपर्टी है, जो यह बताता है कि इसमें कितना क्वांटिटी में करंट सप्लाई हो सकता है किसी भी वस्तु में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी विच इज इलेक्ट्रिकल या अदर रिलेटेड इफेक्ट। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इसे कैसे डिनोट करते हैं और इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिनोशन करेंगे इसके बारे में हम बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। इट इज डिनोटेड बाई क्यू and its unit and dimension। अब इसके मात्रक और विमा पर चलेंगे। तो चूंकि यह एक प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी है तब इसका मात्रक होगा SI यूनिट होगा कूलम, क्योंकि इसके बारे में सर्वप्रथम DS कूलम ने जानकारी दी थी, इसलिए इसका SI यूनिट होगा कूलम। एंड डायमेंशन इज ए एंड टी। नाउ अब इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या है इनके बेसिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तो इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चार्ज यहाँ दो टाइप के होते हैं,
एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव और निगेटिव की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम उसके बारे में कुछ और अध्ययन कर लें। तो यहाँ पर दो आवेश यदि लेते हैं, ठीक है, मान लिया जाए दो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, ठीक। तो प्लस प्लस जो चार्ज रहेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस जो चार्ज रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बारे में हम बेसिक प्रॉपर्टीज में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज में चलते हैं कि चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, और इसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज करो। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। नंबर दो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एंड दिस थर्ड नंबर, थर्ड नंबर होगा जो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन एनी मैटर देन द मैटर इज न्यूट्रलाइज। यानी कहने का मतलब कि यदि किसी भी वस्तु में बराबर और विपरीत आवेश की मात्रा रहे तो वह वस्तु विद्युतीय उदासीन होती है। अब इसके कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो एडिटिव नेचर के होते हैं, जिनके बारे में हम यहां जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तो क्या है एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो कहता है कि इफ एनी मैटर या सब्सटेंस किसी भी पदार्थ या वस्तु में जितने भी फोर्सेस और चार्जेस डेवलप होंगे तो उनका गणितीय योग उन सभी चार्जों के योगफल के बराबर होगा। दैट इज इफ एनी मैटर Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू सो ऑन चार्जेस आर प्रेजेंट इन इट देन टोटल चार्जेस क्यू टोटल इज इक्वल टू समेशन ओवर क्यू एन, आई इज इक्वल टू 1 to n। दैट दस द एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट रीजन। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके और कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का अर्थ है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे उनका मान कांस्टेंट रहेगा, उनका मान अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात नहीं बदलेगा। इसी को कहते हैं
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो अगला प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ एनी आइसोलेटेड बॉडी रिमेंस कॉन्स्टेंट। अर्थात किसी भी वस्तु में चार्ज का जो मान होता है, यानी आवेश का जो परिमाण होता है, वह हमेशा क्या होता है, समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद आता है एक और प्रॉपर्टी जो चार्ज का बेहद अहम प्रॉपर्टी है, वह है क्वांटमलाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले क्वांटमलाइजेशन थ्योरी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कहता है कि क्वांटमलाइजेशन थ्योरी यह बतलाता है कि किसी भी मैटर में, किसी भी वस्तु में यदि चार्ज है और कितना चार्ज है विद्यमान, तो वह कहता है q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। यानी कि उस मैटर में जितना चार्ज विद्यमान होगा, उस मैटर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होगा। दैट इज q इज इक्वल टू प्लस माइनस n e। यानी प्लस कहने का मतलब है कि प्रोटॉन और माइनस कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना उसमें विद्यमान रहेगा, वह क्या कहलाएगा, क्वांटमलाइजेशन थ्योरी कहलाएगा। q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट n। आगे चलते हैं हम, जो चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, तब आता है अहम टॉपिक कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ, जो चार्ज से संबंधित है, कूलम्स लॉ। तो इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या है कूलम्स लॉ। तो कहता है कि किसी भी सरफेस में या किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी जगह यदि दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तब कूलम्ब साहब ने यह बतलाया कि यदि दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तब इनके बीच जो आकर्षण या विकर्षण का बल कार्य करेगा, वह इन दोनों वस्तुओं या चार्जों जहां पर वे रखे गए हैं उनके गुणनफल के समानुपाती, या दैट इज Q1 एंड Q2, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या अट्रैक्शन या रिपल्शन कोई भी फोर्स हो सकता है। और अगर कहें कि यदि समान आवेश यहाँ रख दे, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दे, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा। तो इसको कहते हैं एक निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर यहाँ पे माइनस रख दें और यहाँ पर प्लस रख दें, तब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा। तब कहता है कि कूलम्स लॉ कि यदि ब्रह्मांड में कहीं भी एक दूसरे से कुछ दूरी पर दो चार्ज रखे गए हैं, तब उन दोनों चार्जों के कारण ए बी पर कुछ फोर्स लगाएगा, बी ए पर कुछ फोर्स लगाएगा। तब कहता है कि ए के द्वारा बी पर जो बल लगेगा और बी के द्वारा ए पर जो बल लगेगा, उसका मान परिमाण में बराबर होगा, मगर डायरेक्शन उसका विपरीत हो सकता है। तब इसी के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे।
कूलम्स लॉ के बारे में। तो क्या है, तो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्सेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्सेज विच अट्रैक्ट या रिपेल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ दिस फोर्सेज इज ए प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, वेयर आर बी द डिस्टेंस ऑफ दिस ए एंड बी, लेट क्यू वन एंड क्यू टू। तो चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन any two point charges rest then the force acting on both the charges are directly proportional to the magnitude of their charges and inversely proportional to the distance of that charges. Now let A and B are two points. A and B are 2 points. 2 points where Q1 and Q2 are situated at a distance R from each other, then from Coulomb's law, F proportional to Q1 and Q2. Now समीकरण नंबर एक इसको मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर एक इसको कर सकते हैं, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। नाउ कंबाइनिंग दिस इक्वेशन वन एंड टू, देन now combining equation 1 and 2, F proportional to Q1 Q2 by R square। अब इस proportional को हटाने के लिए हम एक constant term जोड़ते हैं जिसे K भी ले सकते हैं या सुविधा अनुसार जो आप चाहें, या F इज इक्वल टू K इंटू
q1 q2 बटा r स्क्वायर, वेयर वेयर k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, which value is 1/4 pi epsilon naught. Thus, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now, F is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square. This equation shows the Coulomb's law. Coulomb's law.